विश्व एड्स दिवस पर केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सहस्त्र बल सप्पड़ी के इकाई अस्पताल द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसएसबी सप्पड़ी के लगभग 60 जवानों एड्स की महामारी के संदर्भ में जोशवर्धक रैली निकाली। यह रैली सप्पड़ी स्थित कैंप परिसर से निकलकर ज्वालामुखी बाजार होते हुए एसएसबी कॉलोनी तक निकाली गई। जवानों ने ऊंचे नारे एवं पोस्टरों के माध्यम से एड्स की जानकारी बढ़ाने का प्रयत्न किया। जागरूकता रैली के एसएसबी कॉलोनी पहुंचने के उपरांत एसएसबी की चिकित्सा अधिकारी मृणालानी सिंह ने एड्स की महामारी पर भाषण दिया। इस अधिवेशन में एसएसबी संदीक्षा संगठन की 40 महिलाओं ने शिरकत की। उन्होंने एक बीमारी का या एक सिंड्रोम का नाम दे दिया जिसको हम आज तक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोल रहे हैं, यानी एड्स बोल रहे हैं। भारत में सबसे पहला एड्स का केस 1986 में देखा गया, यानी कि अमेरिका से लगभग 5 वर्ष के बाद। और ये डॉक्टर सुनीति सोलोमन, जो कि पहले से ही एड्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रही थी फॉरेन में, और इंडिया में आने के बाद इन्होंने चेन्नई में सेक्स वर्कर्स के अंदर एक सर्वे किया। लगभग 200 सेक्स वर्कर्स का उन्होंने ब्लड सैंपल निकलवाया और ये पाया कि लगभग 100 में लगभग 6 सैंपल एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। और तब ये बीमारी नहीं थी, और उस समय में इस कोड से कि हमारे देश में भी एचआईवी पॉजिटिव मरीज हैं, बहुत ज्यादा देश में एक डर पैदा हो गया था। खासकर कि कुछ अफ्रीका के कुछ स्टूडेंट्स थे जबलपुर के यूनिवर्सिटीज में और कहीं आगे पीछे की यूनिवर्सिटीज में, तो गवर्नमेंट ने उनको वापस अपने देश भेजने का निर्णय कर लिया। ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट।